दूसरा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य महकमे को लिखे पत्र को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। सियासी गलियारों में इस पत्र पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने राज्य सरकार को इस पत्र के बहाने आड़े हाथों लिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मंत्री के पत्र के बहाने राज्य सरकार पर खराब व्यवस्था का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि खुद सरकार के एक मंत्री ने चिट्ठी लिखकर कोरोना में बद इंतजामी के हालात बयान किए हैं। मुख्यमंत्री को क्या सबूत चाहिए? कोरोना पर नियंत्रण का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि उसने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया है। टीका, टेस्ट, डॉक्टर, बेड, एम्बुलेंस सबकी कमी है और टेस्ट रिपोर्ट समय से न मिलने से गंभीर रूप से बीमार इलाज के लिए सड़कों पर तड़प रहे हैं। गोरखपुर, राजधानी लखनऊ और वाराणसी में हालात विचलित करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि खुद सरकार के कानून मंत्री ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित न कर पाने पर जो पत्र लिखा है उसने सरकार की कलई खोल दी है। सरकार की विफलता पर खुद उनके मंत्री शिकायत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की उदासीनता व संवेदनशीलता उजागर हो गई है। लखनऊ के हालात बेहद खौफनाक व चिंताजनक है। जो सरकार राजधानी नहीं संभाल पा रही वह प्रदेश क्या संभालेगी? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने मंत्री के पत्र को ट्वीट करते हुए कहा है कि लखनऊ के डीएम ने कहा कि सड़कों पर लोग मर रहे हैं तो उसके खिलाफ जांच बैठ गई। अब मंत्री ने कहा है कि लखनऊ की हालत चिंताजनक। मुख्यमंत्री जी, डीएम और मंत्री की सच्चाई स्वीकार कीजिए, उनको सच बोलने की सजा मत दीजिए। मंगलवार सुबह ब्रजेश पाठक का लिखा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने लखनऊ की स्वास्थ्य सेवाओं पर अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में चिंता जताते हुए कहा है कि अगर हालात में जल्दी सुधार नहीं हुआ तो कोविड-19 की रोकथाम के लिए लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर उत्तर नहीं मिलता। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से शिकायत करने के बाद फोन भले उठ जाए लेकिन सकारात्मक काम नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि कानून एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक के पत्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। वैसे वे लखनऊ के विधायक हैं तो निश्चित रूप से उनके पास लोग मदद के लिए आते होंगे। जहां तक एम्बुलेंस देरी से पहुंचने की बात है तो अभी सारे एम्बुलेंस लगातार मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान में लगे हैं। कोई एक किनारे पीजीआई भेजा जाता है तो कोई दूसरे छोर के किसी अस्पताल में। मरीज भी अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। लखनऊ में ट्रैकिंग का भारी दबाव है, ऐसे में कुछ विलम्ब होना लाजमी है। वैसे भी पूरे सिस्टम में कहीं तो कमी हो ही सकती है और हम उसे इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए ही तो हम दिन रात काम कर रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।